Hello students, how are you? Today we start exercise 3.3, sum number first. Using divisibility test, determine which of the following numbers are divisible by 2, by 3, by 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. Say yes or no. हमें divisibility रूल्स 28 नंबर दिया है और डिविजिबल बाय, यहाँ डिविजिबल बाय 2 से 11 तक राइट किया गया है और बताया कि यस और नो, जो डिविजिबल हो रहा है वहाँ यस और जो नहीं हो रहा वहाँ नो। हमें दिया है 990, फर्स्ट करेंगे डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल बाय 2 में हमने पढ़ा था A number is divisible by 2 if it has any of digits 0 to 6, 4, 8 in its ones place. अगर ones place पे 0 to 6, 4, 8 आए, वो divisible by 2 होगा. Ones place पे 0, तो ये क्या होगा? Divisible by 2 होगा. क्या लिखेंगे? Yes. ये क्या होगा? Divisible by 2. अब करेंगे divisible by 3. If the sum of the digit is multiply of 3, then the number is divisible by 3. जब digit का total करने पे 3 का multiple आए, वो divisible by 3 होगा. हमारे पास है 990. Digit, sum, total करें, 9 plus 9 plus 0. 9 plus 9, 18. 18 आता है 3 की टेबल में, यस 3 का मल्टीपल है, यस 3 6 18, तो ये क्या होगा? 3 का मल्टीपल होगा, तो क्या राइट करेंगे? यस. अब है डिविजिबल बाय 4. ए नंबर विद 3 और मोर डिजिट इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्मड बाय लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4. जब हम लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे, अगर वो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो वो क्या होगा? डिविजिबल बाय 4. हमारे पास 990, डिवाइड 4 से करना है, लास्ट 2 डिजिट लेंगे तो क्या लेंगे? 90. 4 टू ज़ा 8, 9, नो. डिविजिबल बाय 5. ए नंबर विच हैज आइदर 0 और 5 इट्स इन इट्स वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 5. जब वन प्लेस पे 0 या 5 आए तो वो क्या होगी? 5 से डिविजिबल होगी, तो क्या आएगा? यस. अब करेंगे डिविजिबल बाय 6. इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, देन इट इज डिविजिबल बाय 6 आल्सो. जब ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो रहा है, 2 और 3 दोनों से हो रहा है, तो ये क्या होगा? ये 6 से भी डिविजिबल होगा, तो क्या आएगा? यस. हमने 2 और 3 से डिविजिबल करके देखा था. अब है डिविजिबल बाय 8. ए नंबर विद 4 और मोर डिजिट इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्मड बाय लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8. लास्ट 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करेंगे, कंप्लीट डिवाइड होगा तो ये 8 से डिविजिबल होगा. 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 9 minus 6 3 0. अब 8 से आगे डिवाइड होगा, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 8 3 ज़ा 32, वो नहीं होगा. 10 minus 4 6, कहीं कंप्लीट डिवाइड हो रहा है? नो, तो ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा. डिविजिबल बाय 9. इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9, देन द नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 9. सम ऑफ करेंगे, टोटल करेंगे, अगर 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 से डिविजिबल होगा. 9 plus 9 18, 9 2 ज़ा 18, तो यस इज डिविजिबल बाय 9. डिविजिबल बाय 10.
If a number has 0 in the ones place, then it is divisible by 10. The ones place पे 0 होगा, तो वो 10 से divisible होगा. Yes, it 10 से divisible होगा. Divisible by 11. Find the difference between the sum of digits at odd place from the right side and the sum of digits the even place from the right. Of the number, if the difference is either 0 or divisible by 11, then the number is divisible by 11. Yes, ये क्या होगा 11 से? Divisible होगा. इनका difference करेंगे even odd even, sum of even number, sum of odd number, तो क्या आएगा 0. 0 या 11 है, तो वो क्या होगा 11 से divisible होगा. अब है 1586. 2 से डिविजिबल करेंगे. वंस प्लेस पे 6, तो ये क्या है 2 से डिविजिबल? यस होगा. 3 से डिविजिबल करना है. टोटल करेंगे 1 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 6. 1 प्लस 8, 1 प्लस 5, 6. 1 प्लस 5, 6. 6 प्लस 6, 12. 12 प्लस 8, 20. तो 23 का मल्टीपल नहीं है, तो ये क्या होगा? नो. डिविजिबल बाय 4. लास्ट टू डिजिट 86. 4 से डिवाइड, 4 टू जा 8, 6 रह गया. 4 वन जा 4. क्या ये 4 से डिविजिबल है? नो. अब है डिविजिबल बाय 5. 5 से डिविजिबल करेंगे. वंस प्लेस पे 0 या 5 होगा, तो ये 5 से डिविजिबल होगा. तो वंस पे 6 है, तो क्या आएगा? नो नो, 5 से डिविजिबल नहीं होगा. 6, 6 से डिविजिबल. अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा, तब ये 6 से डिविजिबल होगा. लेकिन ये 2 से डिविजिबल हो रहा है, बट 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा, तो ये 6 से डिविजिबल भी नहीं होगा. 8, लास्ट थ्री डिजिट से 8 से डिवाइड करेंगे. 8 सेवन जो 56, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 26 आ गया. 8 थ्री जो 24, क्या ये 8 से डिविजिबल होगा? नो. अब है 9, 9 से डिविजिबल करेंगे. सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट करने पे 20 आएगा, क्या वो 9 से डिवाइड हो रहा है? नो, तो ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा. 10, वंस प्लेस पे 0 होना चाहिए, लेकिन क्या है 6, तो क्या आएगा? नो. डिविजिबल बाय 11, इवन और इवन और सम ऑफ और नंबर करेंगे. 1 प्लस 8, 9, सम ऑफ इवन नंबर. 5 प्लस 6, 11. डिफरेंस 11 माइनस 9, 2. तो क्या होगा? नो. नेक्स्ट 275, 2 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि वंस प्लेस पे 0, 2, 6, 4, 8 होना चाहिए, लेकिन क्या है 5, क्या आएगा? नो. डिविजिबल बाय 3. सम करेंगे टोटल 2 प्लस 7 प्लस 5, 2 प्लस 7 9, 9 प्लस 5 14, 3 का मल्टीपल नहीं आ रहा, तो क्या आएगा? नो, 3 से डिविजिबल नहीं होगा. 4, लास्ट टू डिजिट को 4 से डिवाइड. 4 वन सा 4, 7 माइनस 4, 3, 4, 9, 4 एट जा 32, क्या होगा? नो, 4 से डिविजिबल नहीं हो रहा. 5, लास्ट डिजिट पे 5, क्या हो रहा है 5 से डिविजिबल? यस,
नेक्स्ट है डिविजिबल बाय सिक्स, सिक्स से डिविजिबल तब होगा जब टू और थ्री दोनों से होगा, लेकिन यहाँ टू और थ्री दोनों से डिविजिबल नहीं हो रहा, तो ये सिक्स से भी नहीं होगा। डिविजिबल बाय एट, एट से डिविजिबल करेंगे, लास्ट थ्री डिजिट को डिवाइड किससे, एट से करो, एट वन ज़ा एट, एट टू, एट थ्री ज़ा 24, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एट फोर ज़ा 32, तो ये एट से भी डिविजिबल नहीं हो रहा। नो, नाइन, नाइन से डिविजिबल करने के लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट, टू प्लस सेवन नाइन, नाइन प्लस फाइव 14, तो ये नाइन से भी डिविजिबल नहीं होगा। 10, 10 से भी नहीं होगा क्योंकि वंस प्लेस भी क्या होना चाहिए, ज़ीरो। नो, 11, 11 से करेंगे, ऑड इवन और सम ऑफ और नंबर, 5 प्लस 2 7, इवन नंबर 1 है, क्या है 7, डिफरेंस फाइंड करेंगे, 7 माइनस 7 0, जब डिफरेंस फाइंड करने पे 0 या 11 आए तो वो क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा, तो क्या आएगा, यस। नेक्स्ट करेंगे डिविजिबल बाय 2, यस वंस प्लेस पे क्या है 6, 3 से करेंगे, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 6 26, 3 का मल्टीपल नहीं है, तो 8, 9, 3 से डिविजिबल भी नहीं होगा, तो क्या आएगा, नो। 4 से डिवाइड करेंगे लास्ट टू डिजिट को, 4 टू ज़ा 8, 4 वन ज़ा 4, क्या ये डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, तो क्या रहा होगा, नो। 5 से डिविजिबल, वंस प्लेस पे 0 या 5 हो तब ये 5 से डिविजिबल होगा, लेकिन वंस पे प्लेस पे क्या है 6, तो क्या होगा, नो। 6, 6 से डिविजिबल तब होगा जब 2 और 3 दोनों से हो, लेकिन यहाँ 2 से हो रहा है बट 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा, तो ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। डिविजिबल बाय 8, तो हम क्या करेंगे, लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड, 8 8 64, सब्ट्रैक्ट, 8 5 40, ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा। 9 से, 9 से करेंगे सम ऑफ डिजिट 26, 26 9 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो क्या होगा, नो। 10, 10 से डिविजिबल तब होगा जब वंस प्लेस पे 0, लेकिन यहाँ क्या है 6, तो ये 10 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अब हम करेंगे डिविजिबल बाय 11, इवन ऑड, इवन ऑड, इवन नंबर को ऐड करेंगे 6 प्लस 6 12, ऑड नंबर को ऐड करेंगे 6 प्लस 8, तो क्या होगा 14, 14 माइनस 12 2, तो ये 11 से भी डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट है 6,39,210, टू से डिविजिबल, यस क्योंकि वंस प्लेस पे क्या है 0। 3 से सम ऑफ डिजिट 6 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0, 6 प्लस 3 9, 9 प्लus 9 18, 18 प्लस 2 20, प्लस 1 21, के 3 का मल्टीपल है, यस 3 7। अब है 4, 4 से डिविजिबल, लास्ट टू डिजिट को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये 4 से डिवाइड कंप्लीट नहीं होगा, तो क्या होगा, नो, ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा। डिविजिबल बाय 5, वंस प्लेस भी क्या है 0, तो ये 5 से डिविजिबल यस होगा। डिविजिबल बाय 6, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल, सो इसलिए 6 से भी डिविजिबल होगा।
अब है डिविजिबल बाय 8, लास्ट थ्री डिजिट को हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड, 210, 8 1 8, 8 2 16, 11 minus 6, 5 0, 8 6 48, 10 minus 8 2, 8 से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये डिविजिबल भी नहीं होगा। डिविजिबल बाय 9, सम ऑफ डिजिट 21, 9 से डिवाइड होगा नहीं होगा तो क्या आएगा, नो। अब है 10, वंस प्लेस पे 0, सो इसलिए क्या होगा, ये 10 से डिविजिबल होगा। डिविजिबल बाय 11 का सेम वैसे करेंगे, इवन ऑड, इवन ऑड, सम ऑफ इवन नंबर, सम ऑफ ऑड नंबर एंड डिफरेंस, तो ये फाइंड करने पे ये होगा, ये डिविजिबल नहीं होगा तो क्या आएगा, नो। नेक्स्ट 4,29,740 करेंगे 2 से, यस, वंस डिजिट पे 4 है इसलिए 2 से डिविजिबल होगा, 9 से, सम ऑफ डिजिट 4 plus 2 plus 9 plus 7 plus 1 plus, और 4 plus 2 6, 6 plus 9 15, 15 plus 7 22 plus 1 23 plus 4 27, 3 का मल्टीपल है, यस, तो ये क्या होगा, 3 से भी डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल। लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करेंगे 4 से तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा तो क्या होगा, नो, डिविजिबल नहीं होगा। 5 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट वंस डिजिट पे 0 और 5 होना था। 6 से यस, क्योंकि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो रहा है। 8 से, 8 से भी लास्ट 3 डिजिट डिवाइड करके देखेंगे, 8 8 जा 64, 11 minus 4 7, 8 9 जा 72, तो ये भी कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा तो 8 से डिविजिबल नहीं होगा। 9 से करेंगे सम ऑफ डिजिट क्या है, 27, 9 से डिवाइड हो रहा है, यस, तो ये क्या होगा, 9 का डिविजिबल। 10 से नो, वंस डिजिट पे 0 होना चाहिए तो ये क्या होगा, नो। इनको करेंगे कैसे करेंगे, ये हमारे पास डिजिट है और क्या है हमारे पास, इवन ऑड, इवन ऑड, इवन एंड ऑड, हमें राइट साइड से स्टार्ट करना है। इवन नंबर क्या है, 2 7 एंड 4, 2 plus 7 9, 9 plus 4 13, 1 plus 9 10, 10 plus 4 14, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आएगा तो ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा। 2,856, 2 से डिविजिबल, यस, 1 प्लेस पे 6 है। अब है 3 से डिविजिबल, 2 plus 8 10, plus 5 15, plus 6 21, यस, 3 का मल्टीपल है, 4 से 56 को 4 से डिवाइड, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, कंप्लीट डिवाइड हो रहा था, 4 से डिविजिबल होगा, यस। अब है 5 से नो, वंस प्लेस पे 0 और 5 हो तभी 5 से डिविजिबल होगा। डिविजिबल बाय 6, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। 8 से लास्ट 3 डिजिट को 8 से डिवाइड, 8
256, 81s are 8, 0, 87s are 56. तो क्या होगा? Yes, 8 से भी divisible. 9 से करेंगे, sum of days है 21, तो 9 से divide होगा, no. 10 से no, और 11 से भी no. Next है 3060, 2 से divisible, yes. 3 से 6 plus 3, 9, 3 का multiple, yes. 4 से last 2 digit को divide, 60, 4 ones are 4, 4 5s are 20, complete divide हो रहा है, 4 से भी divisible, 5 से yes, ones place पे क्या है, 0. 6 से yes, क्योंकि 2 और 3 ये दोनों से divisible हो रहा है. 8 से divisible, करेंगे divide, 8, 7s are 56, नहीं हो रहा, तो क्या होगा, no. 9 से divisible, 6 plus 3, 9, 9 ones are 9, yes. 10 से yes, क्योंकि 1's place पे 0, और 11 से no. अब है next 4,6,839, 2 से divisible, नहीं होगा, 1's place पे क्या है, 9. 3 से add करेंगे digit को, 4 plus 6, 10, 18, 18 plus 3, 21 plus 21 plus 9, 30. 3 का multiple, yes. 4 से divisible, last 2 digit को divide करेंगे, 39 को 4 से, 4 is a 32, नहीं होगा, तो क्या होगा, no. 5 से no, क्योंकि 1's place पे 0 है, 5 होना चाहिए. 6 से नहीं होगा, क्योंकि 3 से divisible हो रहा है, but 2 से नहीं हो रहा. 8 से no, 9 से नहीं होगा, 30 sum of digit, 9 से divide नहीं होगा. 10 से no, 1's place पे क्या होना चाहिए, 0, 11 से भी no. Sum number second, using divisibility test, determine which of the following numbers are divisible by 4 by 8. अब हमें 4 और 8 से divisible बताना है कि कौन सी digit 4 से divisible और ये कौन सी 8 से. A part 572. फर्स्ट करेंगे divisible by 4. तो करने के लिए क्या करें, लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड. 4 वन्स आ 4, 7 माइनस 4 3, 4 एट जा 32. कंप्लीट डिवाइड हो रही है, तो क्या लिखेंगे, डिवाइड आपको रफ नोटबुक पे करके देखना, फिर में आप राइट नहीं करेंगे. कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, राइट करेंगे 572 is divisible by 4 because last 2 digit is divisible by, क्यों होगा, क्योंकि last 2 digit 4 से divide हो रही है, इसी को ही करेंगे divisible by 8. last 3 digit को divide करेंगे, roughly करके देखना है, करेंगे 8 से divide, 8 7 is 56, 7 minus 6 1,
टू नीचे 8 1 8, तो ये क्या हो रहा है, ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये 8 से डिविजिबल नहीं होगी। राइट करेंगे 572 इज नॉट डिविजिबल बाय 8 बिकॉज लास्ट थ्री डिजिट इज नॉट डिवाइड बाय 8। नेक्स्ट करेंगे बी पार्ट, 7,26,352, हमें क्या करना है, लास्ट टू डिजिट से डिवाइड करना है। राइट करेंगे 52 को, रफली करके देख लेंगे, 4 1 4, 4 3 12, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, लिखेंगे यस इज डिविजिबल बाय 4 बिकॉज लास्ट टू डिजिट्स इज डिवाइड बाय 4। 8 से करेंगे 3 डिजिट को, इज करके देखें 352, 8 4 जा 32, 5 minus 2 3 8 4 जा 32, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। राइट करेंगे इज डिविजिबल बाय 8 बिकॉज लास्ट थ्री डिजिट्स 352 इज डिवाइड बाय 8। अब है 5,500, लास्ट टू डिजिट 0, 3 4 से डिविजिबल होगा, क्या लिखेंगे कि इज डिविजिबल बाय 4। अब करेंगे 8 से डिविजिबल, लास्ट 3 डिजिट डिवाइड कर लेंगे, 8 8 6 जा 48, 2 0, 8 2 जा 16, नहीं हो रहा, तो क्या इज नॉट डिविजिबल बाय 8 बिकॉज लास्ट थ्री डिजिट्स इज नॉट डिवाइड बाय 8। 6,000 लास्ट डिजिट 0 है, तो ये 4 से डिवाइड होगा, डिवाइड करने के 0 आएगा, यस इज डिविजिबल बाय 4। 8 से करेंगे तो क्या है, लास्ट 3 0, तो ये भी क्या होगा, डिविजिबल, यस इज 6,000 डिविजिबल बाय 8 बिकॉज लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। ई पार्ट है 12,159,
लास्ट टू डिजिट को डिवाइड करेंगे 59 को, ये 59 डिवाइड करके देखेंगे 4 से, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, कभी डिवाइड नहीं होगा तो लिखेंगे 59 इज नॉट डिविजिबल बाय 4 बिकॉज लास्ट इज नॉट डिवाइड बाय 4। 8 से करेंगे लास्ट 3 डिजिट को 159, 8 7 56, कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, इज नॉट डिविजिबल बाय 8 बिकॉज लास्ट थ्री डिजिट इज नॉट डिविजिबल बाय 8। सेकेंड का पार्ट 14,560 आंसर करेंगे 4 से, लास्ट टू डिजिट 60 है, 60 को रफली डिवाइड करेंगे 4 1 4, 6 4 5 20, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, यस 60 इज डिविजिबल बाय 4 बिकॉज लास्ट टू डिजिट इज डिवाइड बाय 4। 8 से करेंगे लास्ट 3 डिजिट 560, 8 7 56, यस इज डिविजिबल बिकॉज लास्ट 3 डिजिट्स 560 is divided by 8। Next part G 21,084 करेंगे last two digit 84 को 4 से, 4 2 8, 4 कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, यस लिखेंगे इज डिविजिबल बाय 4 बिकॉज लास्ट टू डिजिट क्या थी 84 इज डिवाइडेड बाय 4। 8 से करेंगे 3 डिजिट को 8 से करेंगे 8 1 8 नहीं होगा, इज नॉट डिविजिबल बाय 8 बिकॉज लास्ट 3 डिजिट्स it is not divided by 8। next है 3,17,95,072 करेंगे डिविजिबल 4 से, 72 है, 72 को करके डिवाइड देखेंगे 4 1 4, 4 8 32, यस हो रहा है, तो लिखेंगे
is divisible by 4 because last two digits kya hai 72 is divided by 4 8 से करेंगे क्या करेंगे लास्ट थ्री डिजिट को करके देखेंगे 8 से 8 9 72 यस इज डिविजिबल बाय 8 बिकॉज लास्ट थ्री डिजिट्स is divided by 8. Next part, I part, TS 1700. Last two digit 0 is divisible by 4 because last two digit is divided by 4. 700, last three digit डिवाइड करेंगे 8 से डिवाइड नहीं होगा तो ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा 2150 इज नॉट डिविजिबल बाय 4 बिकॉज लास्ट टू डिजिट 50 इज नॉट डिवाइडेड बाय 4 2150 इज नॉट डिविजिबल बाय 8 बिकॉज 150 लास्ट थ्री डिजिट इज नॉट डिवाइडेड बाय 8 थैंक यू